हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में जब वीडियो आपको एक दी थी उसमें बताया था कि जो आपका फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो 12 बजे तक आ जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो जीकप का जो काउंसलिंग का जो फर्स्ट सीट फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है उसका जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है दोस्तों आ चुका है। आपको दोस्तों आप किस तरीके से उसे चेक करना है, यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके शॉर्ट भी मैंने लगा दिया है। किस तरीके से चेक करना है आपको, उसका सारा का सारा प्रोसीजर बताऊंगा। इसके बाद आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो भी मैं सारा का सारा बताऊंगा। दोस्तों अगर आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा और अच्छे तरीके से देखिएगा, अदरवाइज अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो फिर आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो सकती हैं और आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको पूरा यहाँ पर शेड्यूल बताऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छे तरीके से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर जीकप टाइप करना होगा, और जैसे जीकप टाइप करेंगे उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा दोस्तों इस तरीके की आपकी जो मेन वेबसाइट है उसकी लिंक यहाँ पर आ जाएगी, gcup.nic.in पर। इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल जो पेज है वो दोस्तों ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, ये ओपन हो जाएगी इस तरीके से। और इस यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है दोस्तों। अगर आप चाहे मोबाइल से करें चाहे आप कंप्यूटर से करें, दोनों में ही सेम प्रोसीजर है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो दोस्तों डेस्कटॉप मोड ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पर शेड्यूल सब कुछ दिया गया। इसके बाद आप और भी जब नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पर आप देख लीजिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग 2021 रिजल्ट राउंड नंबर फर्स्ट। ये देखो दोस्तों न्यू है, यहाँ पर अभी ये लिंक एक्टिवेट हुई है। यहाँ पर आपका सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका दिखेगा, तो आपकी फर्स्ट सीट में दोस्तों अब किस तरीके से आपका दिख रहा होगा और क्या क्या प्रोसीजर आपको करनी है वो भी मैं आपको प्लीज़ पूरा बताऊँगा अच्छी तरीके से। सो वीडियो को प्लीज़ और भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखें। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, सबसे पहले यहाँ पर एक एक्टिवेट लिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक्टिवेट लिस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पर आपको न्यू ऐसे करके शो हो रहा होगा। इस पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट दिख जाएगा, और इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे इस तरफ से जो आपकी जिस तरीके से जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर आपका दिखेगा, ठीक है ना। इसका इसको देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप और भी स्टेप देख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको फ्रीज एंड फ्लॉट करना होगा। सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका इसी तरीके का सेम आपको दोस्तों इंटरफेस खुल के आएगा, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, आराम से इसी तरीके आपको फ्रीज या फ्लॉट करना होगा दोस्तों। आपको अगर आप कॉलेज बदलना चाहते हैं, अगर इसी कॉलेज में इसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फ्रीज कर देना है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको फ्लॉट करना है। इसके बारे में मैं पर्टिकुलर वीडियो दे चुका हूँ। इसके बाद जैसे ही आप फ्रीज फ्लॉट करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको 3000 रुपये पे करने होंगे। 3000 रुपये पे करने का ऑनलाइन मेथड ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होना है दोस्तों, इस बात का भी याद रखिएगा, ठीक है ना, कि ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं होना है, ऑनलाइन ही सारा सारा होगा। 3000 रुपये जमा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रीन टिक आ जाएगा, डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, उसको दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिएगा इस तरीके का आपका जो भी सीट अलॉटमेंट होगा ये सारा का सारा आपका इस तरीके से जो होगा रिजल्ट आप सीट अलॉटमेंट का लेटर प्रोविजनल लेटर वो आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों सर्टिफिकेट क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए ले जाना है वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देख लीजिए कि आपको क्या क्या ले जाना है, वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सारा का सारा दोस्तों आप ध्यानपूर्वक आपको ये सारे, वैसे मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी वीडियो बना रखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कैसे आप प्रिपेयर करेंगे वो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी कुछ देर में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उस हिसाब से मैं वीडियो आपको दिखा दूँगा, बता दूँगा, ठीक है ना। सो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा जरूर। अगर आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इसके बाद आपको फिर वो फीस आगे की पे करनी होगी, तो अभी तो आप पहले डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाइएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में क्या क्या लगेगा उसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है, TC गैप सर्टिफिकेट हेल्थ सर्टिफिकेट और क्या क्या किसके किसके हमारे वेरीफिकेशन लगेंगे सारा सारा मैंने दोस्तों वीडियो अपलोड कर रखा है। दोस्तों अगर आपको फ्रीज फ्लॉट कुछ भी हुआ हो आप दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना मस्ट है दोस्तों। ये जानकारी मेरे हिसाब से आपको हेल्पफुल लग रही हो, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आप क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स का एक साथ जवाब देना या फिर तुरंत जवाब देना उतना मुश्किल हो पाता है, सो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़कर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसकी मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक जो ID की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग ज्वाइन करें, अगर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पॉलिटेक्निक से काउंसलिंग से जुड़ी हर एक अपडेट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।